और यहाँ पर इंडिया और वेस्ट इंडीज़ चौथा T20 मुकाबला, दोनों भी टीम है तैयार और देखेंगे टॉस में कौन जीतता है टॉस। और यहाँ पर हेड्स मांगा इंडिया ने और इंडिया का ही पक्ष में टॉस गिरा है और इंडिया ने टॉस जीतकर फैसला लिया है बैटिंग का। रोहित शर्मा कप्तान इंडिया के। पहली गेंद है और यहाँ पर मोड़ दिया रोहित शर्मा ने, यहाँ पर कलाइया मोड़ दिया सिर्फ, और मुझे लगता है 2 और 3 रन तो मिलेंगे ही इंडिया को। और चौथे की भी कोशिश करेंगे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, और 4 रन पहले गेंद पे, बहुत ही बढ़िया शुरुआत है ये। और ये कट लगा और जबरदस्त कैच निकोलस पूरन का, बढ़िया कैच पकड़ा है, विकेट मिला वेस्ट इंडीज को, पहला विकेट गिरता हुआ भारत का कैच था। और एक ग्लिच गेम में निकोलस पूरन शरीर के आर पर और रोहित शर्मा का विकेट गिरा, 5 रन बनाकर आउट रोहित शर्मा। और ये हवा में उठा दिया है गेंद, यहाँ पर 4 रन मिलेंगे, खिलाड़ी भाग रहे पर कोई फायदा नहीं होगा। और ये खींचा है गेंद को, 4 रन मिलेंगे फिर से, बढ़िया शॉट था ये। और ये कट लगा है और ये विकेट कैच पकड़ लिया है खिलाड़ी ने, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। यहाँ पर दूसरा विकेट भी गवाया भारत ने, एज लगा और सूर्य कुमार यादव को भी जाना पड़ेगा पवेलियन। और ये फिर से गेंद हवा में उठा दिया, खिलाड़ी भाग रहे पर नहीं, कैच नहीं कर पाए और 4 रन भी मिले इसी के साथ। और ये वापस निकोलस पूरन, एक्शन रिप्ले, और एक विकेट गिरा भारत का। मुझे लग रहा है कि भारत संभल नहीं पा रहा है खुद को, एक के पीछे एक विकेट गिरते जा रहे हैं। और ये तीसरा विकेट का पतन, श्रेयस अय्यर आउट हो चुके हैं। और ये हवा में गेंद है, खूबसूरत से उठाया है, 4 रन मिलेंगे। और फिर से यहाँ पर हवा में गेंद है और फिर से वही 4 रन। और ये गए 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 निकोलस पूरन, आज यहाँ पर पीछे विकेट कीपिंग में बहुत ही मुस्तैद है, क्या कैच पकड़ रहे हैं, तीसरा कैच उनका। और हार्दिक पांड्या 5 रन बनाकर आउट। और ये गए, देखिए निकोलस पूरन को आज कोई रोक नहीं पाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, बॉल को पीछे जाने ही नहीं दे रहे, वो कैच पकड़ रहे हैं। और ये चौथा कैच उनका इस बार, दिनेश कार्तिक 2 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। और ये सीधा खेला है ऋषभ पंत ने, यहाँ पर 4 रन मिलेंगे आसानी से। और ये हवा में गेंद है, यहाँ पर कैच होगा, जी हाँ कैच पकड़ लिया है और एक विकेट। ऋषभ पंत यहाँ पर एस्केलेट करने गए इनिंग्स को, पर नहीं, विकेट गिर गया उनका। और यहाँ पर 25 रन बनाकर आउट ऋषभ पंत। और ओ ये कट लगा, भाग्यशाली बैट्समैन, और इसके मिलेंगे पूरे 4 रन। ओ बोल्ड, क्या बढ़िया गेंद थी, एकदम ब्लॉक कर दिया बैट्समैन को, बढ़िया यॉर्कर थी ये जेसन होल्डर की, कोई मौका नहीं बैट्समैन के पास शॉट खेलने का, क्या बढ़िया विकेट था ये। दीपक हुडा 5 रन बनाकर पवेलियन। और ये अपील है, मुझे लग रहा नहीं है कि आउट है, पर अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। और भुवनेश्वर कुमार ने रिव्यू नहीं लिया, पर मुझे लग रहा है कि ये मिस करती गेंद और भुवनेश्वर कुमार डक। ये जबरदस्त खेला है, बैट से निकलते ही पता है कि ये चौका होगा, जी हाँ। और ये सीधा उठाया है अश्विन ने, इसके मिलेंगे खिलाड़ी है वहां पर, 4 रन मिलेंगे क्या, जी हाँ खिलाड़ी ने टच कर दिया बाउंड्री लाइन को। ये हवा में गेंद और दूर नहीं गए, नीचे खिलाड़ी है और ये पकड़ लेंगे कैच, कॉट एंड बोल्ड।
बढ़िया कैच यहाँ पर, बॉलर बॉल के नीचे है और एक आसान सा कैच पकड़ लिया रविचंद्रन अश्विन, 12 रन बनाकर आउट। और यहाँ पर दो रन की मांग है और बड़े मुस्तैद रनिंग, और एक कट और ये आउट लीजिए, आखिरी विकेट पे गिरा, अंपायर ने भी उंगली खड़ी कर दी, आवाज भी आई है। यहाँ पर इंडिया 110 महज रन बनाकर ऑल आउट हो चुकी है, बहुत ही लोएस्ट टोटल है ये इंडिया का, काफी एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर ऋषभ पंत ने 25 रन बनाए और 25 रन के आगे और कोई बैट्समैन जा नहीं पाया। वेस्ट इंडीज की जो बॉलिंग थी, इंडियन बैट्समैन को बांध के रखा है, जेसन होल्डर 4 विकेट, अकील हुसैन 3 विकेट, बढ़िया थी ये बॉलिंग। और आगे देखना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज 111 रन पार कर पाती है या इंडिया उन्हें रोक पाएगी। और ये वेस्ट इंडीज ओपनर्स, पहली गेंद वेस्ट इंडीज के इनिंग्स की, ओ डॉट गेंद, बढ़िया शुरुआत, ये ओहो यहाँ पर हवा में गेंद थी और बाउंड्री मिलेगी, ये सीधा मारा है, दो खिलाड़ियों के बीच से बॉल निकली है और बाउंड्री जाएगी ही जाएगी, 4 रन। ये बढ़िया शॉट है, एकदम खूबसूरत, अर्शदीप सिंह वहां पर भाग रहे, रोक नहीं पाएंगे। yes. और ये हवा में गेंद है पर खिलाड़ी हैं वहां पर दोनों के बीच से 4 रन। yes, yes. और ये हवा में तो गेंद है और अर्शदीप सिंह यहाँ पर, नहीं नहीं फील्डिंग अच्छी नहीं है, और ये कैच यहाँ पर, देखिए एक अपसेट विकेट था ये, बैट को लगा फिर पैड को लगा और फिर ऋषभ पंत के दस्तानों में गेंद, ब्रैंडन किंग आउट। और हवा में गेंद, बढ़िया शॉट है ये, पुल किया है, यहाँ पर 4 रन मिलेंगे, जी हाँ ये भी हवा में गेंद उठा दी है, अर्शदीप सिंह यहाँ पर भाग रहे, रोक नहीं पाएंगे, हवा में गेंद है और यहाँ पर खिलाड़ी है और ये कैच, रोहित शर्मा बेहतरीन, देखिए दूसरा विकेट गिरता हुआ वेस्ट इंडीज का, यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने विकेट ले लिया अपनी टीम के लिए, रोहित शर्मा का बढ़िया कैच, काइल मेयर्स 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यस ओहो मिस कर दिया इसको और खिलाड़ी भाग रहे पर 4 रन मिलेंगे, जी हाँ। और ये पीछे की तरफ बढ़िया फील्डिंग है वहां पर, और ये दूसरे के लिए पास, और ये डायरेक्ट हिट और ये आउट है, ये आउट है, अंपायर यहाँ पर सीधा आउट देते हुए, यहाँ पर देखिए थर्ड अंपायर के पास भी नहीं गए, डायरेक्टली एकदम डायरेक्ट हिट था, खिलाड़ी बाहर थे क्रीज के, और रोमन पावल 5 रन बनाकर आउट। ये देखिए बढ़िया शॉट, हवा में गेंद, 6 रन, पहला छक्का इस मैच का, निकोलस पूरन बढ़िया शॉट, और जीतने की तरफ कोशिश करनी होगी इंडिया को। ये देखिए ये भी छक्का होगा, कैच पकड़ेंगे और कैच पकड़ के छक्के के पार, ये देखिए ये भी गेंद हवा में और इसके मिलेंगे पूरे आधा दर्जन रन, बढ़िया शॉट, रोहित शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं पर उनको बख्श नहीं रहे निकोलस पूरन। ये देखिए और एक छक्का, बढ़िया शॉट, दो डाला है पूरा रोहित शर्मा को। yes. ये देखिए यहाँ पर खिलाड़ी है, दो रन की कोशिश ना करे और कर दी है कोशिश, और खामियाजा रन आउट, विकेट गिरा और एक वेस्ट इंडीज का, अलीमदार सीधा उंगली उठाते हुए, यहाँ पर बढ़िया फील्डिंग थी और सीधा विकेट कीपर के लिए बहुत ही आसान था ये ऋषभ पंत के लिए,
और डेवन थॉमस 10 रन बनाकर आउट। ये देखिए यहाँ पर अर्शदीप सिंह फील्डिंग नहीं कर पाए है और ओ बोर्ड, क्या बढ़िया विकेट यहाँ पर चलता किया है निकोलस पूरन को जो अच्छी पारी खेल रहे थे 47 रन बनाकर, पर अश्विन ने फंसा दिया उन्हें। अभी एक ही रन चाहिए और वेस्ट इंडीज का और एक विकेट गिरा। निकोलस पूरन बढ़िया पारी, ओ, 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 और ये जबरदस्त विकेट, ये भी बैट को लग के फिर पैर को लगा और ऋषभ पंत के हाथ में गेंद। एक रन रहते दो विकेट गिर चुके हैं अभी तक। बढ़िया जेसन होल्डर गोल्डन डक, और सिर्फ एक रन चाहिए। ओ हैट्रिक मिस कर दिया अश्विन ने और ये दे दिया यहाँ पर वन बाउंस, और वेस्ट इंडीज ने आखिरी रन भी पूरा कर लिया और जीत लिया इस मैच को। वेस्ट इंडीज ने चौथे T20 में 4 विकेट से जीत हासिल की। इंडिया ने थोड़ा डराया उनको आखिर में, पर आखिरकार अपने नाम किया मैच वेस्ट इंडीज ने। निकोलस पूरन बहुत ही अच्छी पारी खेली 47 रन की, काइल मेयर्स भी अच्छे खेले और आखिरकार वेस्ट इंडीज को मिली इस मैच में जीत। कम टोटल था पर इंडिया ने फाइट बैक थोड़ा तो किया, अच्छा मैच था ये। और मिलेंगे आपके साथ अभी अगले T20 में। निकोलस पूरन रहे प्लेयर ऑफ द मैच और विदा लेते हैं आपसे। गुड बाय।